अभय सिंह जी, एक बार फिर से किसानों का बड़ा आंदोलन, ये आंदोलन जो है पिछले 100 दिन से चल रहा है। और हैरानी की बात है कि मुझे डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन करके यहाँ भेजना पड़ा कि तू जिले के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की पोस्ट के ऊपर, और अगर आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाओगे तो फिर लोगों को मजबूर होना पड़ जाएगा। तब डीसी आया, आके इनको आश्वासन दे करके गया। आज बात करूंगा डीसी से, मंगलवार तक का टाइम दूंगा, या तो मंगलवार तक इनके खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं आए तो फिर डीसी के दफ्तर के अंदर कब्जा करेंगे। डीसी अपने दफ्तर में नहीं बैठ सकेगा, फिर किसान दफ्तर में बैठे और किसान ही बैठ करके फैसले करे। ये सरकार यूं मानने वाली नहीं, इस सरकार ने हर वर्ग के लोगों के नाक में दम कर रखा, हर किसी को परेशान कर रखा। हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि किसी तरह ये लोग समझ जाए, लेकिन अब हमें मजबूर होना पड़ेगा। और क्या करूंगा तेरे ख्याल, और जाऊंगा किस लिए सेशन, ना केवल आवाज उठाऊंगा बल्कि सरकार को मजबूर करूंगा, पूछूंगा भी अब तक पैसा क्यों नहीं दिया, इनका क्या कसूर है, इन्होंने तो अपना पैसा भरा था कि नहीं भरा था। अगर कंपनियां पैसा नहीं दे रही है, सरकार लाके दे, सरकार का काम है। प्रेम के पैसे क्यों लेते, अगर मेरे से इंश्योरेंस लेंगे, अगर मेरी फसल खराब होगी तो उसका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन सरकार को करना चाहिए, डेट फिक्स करनी चाहिए भी कितने दिन के अंदर खराब होने के बाद उसका पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। कृषि मंत्री केपी दलाल का बयान था कि सिरसा जिले के सभी किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया पूरे हरियाणा में, ये किस लिए बैठे हैं? अगर मुआवजा मिला होता और अगर ज्यादा दिया है तो उसने अपनी जेब से दिया, हमने पहले उसके पैसे भरे हैं तब हमें मिले, ये किस लिए इस तरह से कह करके लोगों को गुमराह करने को। मैं पूछूंगा उससे कि तेरी जेब से लगे थे पैसे जो तू इस तरह की बात करता है, ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। एक आपको सिक्योरिटी मिल गई है? मिली तो मुझे ना तो सिक्योरिटी की जरूरत ना मैं किसी की धमकी से डरने वाला, ये तो सरकार की बेकायदियों की वजह से मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। जब सरकार ने ये कहा कि हम किसी को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तब उनको सबक सिखाने के लिए